हेलो दोस्तों, मैं गुलफरान उस्मानी आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एमजी एग्जाम क्रैकर पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज आपके लिए लाए हैं परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता। प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत को कैसे निकालते हैं और प्रतिशत कभी कभी आप सुने होंगे कि प्रतिशत 100 से ज़्यादा हो जाता है। आपने सुना होगा कि जब कोई लड़की शॉपिंग के लिए जाती है और अपने फेस के लिए यानी कि कोई क्रीम लेती है और दुकानदार वाले से पूछती है क्या ये क्रीम सही है या ऑथेंटिक है, तो दुकानदार वाला बहुत अच्छे से कहता है आप ले जाइए, ये 1001% काम करेगी, आप चमगादड़ से परी बन जाइएगा। तो दोस्तों, वहाँ पर बोलता है 1001%, कोई कोई बोलता है 101% सत्य बोल रहा हूँ। तो ये 101%, ये 1001%, 110%, ये आखिर कैसे हो जाता है। और अंत में आपको बताएंगे कि परसेंटेज को क्यों बनाया गया, मैथमेटिशियन ने यानी कि गणितज्ञों ने क्यों परसेंटेज को, प्रतिशतता को बनाया, आखिर प्रतिशत को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आइए इनमें चारों सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे कि प्रतिशत क्या है, प्रतिशत को कैसे निकालते हैं और आखिर प्रतिशत 100 से ज़्यादा, 110, 120, 1000, 1000, 2000 कैसे हो जाता है और अंत में पता करेंगे कि प्रतिशत को क्यों बनाया गया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, प्रतिशत का पहले हम अर्थ देख लेते हैं कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। जैसे कि प्रतिशत, प्रति का मतलब होता है हर एक और शत का मतलब होता है सैकड़ा, यानी कि हर एक सैकड़ा, यानी कि हर सैकड़े पर जो एक संख्या होती है कोई, उसे हम प्रतिशत कहते हैं। या अन्य शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसी भिन्न जिसका हर 100 हो जाए उसे हम प्रतिशत कहते हैं। अगर आपको कहीं पर लिखा हुआ ऐसे मिल जाए 5%, दोस्तों ये प्रतिशत का चिन्ह है और ये 5 एक डिजिट यानी अंक है। अगर ये कहीं पर लिखा है मिल जाए 5%, तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 में 5, यानी कि 5/100, यानी कि एक ऐसी ये भिन्न है जिसका हर 100 हो जाए। अब देखिए, ये आपका प्रतिशत हो गया, यानी कि 5%, ऐसे आपको लिखा मिल जाए 8%, तो इसका मतलब आप समझेंगे 100 में 8, यानी कि 100 जो आपका नीचे होगा 8। तो देखिए देखिए, जो संख्या ऊपर है उसको हम कहते हैं अंश और जो संख्या नीचे है उसको कहते हैं हर। अब देखिए, अंश और हर का ही कमाल होता है कि कोई संख्या कैसे 100 से ज़्यादा प्रतिशत में हो जाती है और 100 से कैसे कम में होती है। लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि जो फ्रैक्शन होता है उसे क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन का मतलब भिन्न, भिन्न क्या होती है, यानी कि भिन्न का मतलब अभी हमने बताया कि जो संख्या अंश और हर, यानी कि जो अंश और हर में हो जाए उसे हम भिन्न कहते हैं। जैसे आपको कहीं पर लिखा मिल जाए 8/5, तो ये आपकी क्या है, संख्या भिन्न है। और जब संख्या लिखी मिल जाए 5/8, देखिए यहाँ पर संख्या को हमने पलट दिया, 8/5, 5/8, तो ये आपका हो गया क्या, हो गया भिन्न हो गया। अब दूसरी बात, आप समझ चुके हैं कि प्रतिशत क्या होता है, यानी कि 100 में कोई संख्या जो होती है उसे प्रतिशत कहते हैं। अब देखिए, प्रतिशत को कैसे निकालते हैं। जैसे कोई संख्या दी हुई है, इसका प्रतिशत निकालना है, तो हम अगर कोई भी भिन्न दुनिया की दी हुई है उसमें 100 से गुणा कर देते हैं, बस हमारा प्रतिशत निकल आता है। अब ये आपका प्रतिशत हो गया, ये आपका प्रतिशत हो गया। अब देखिए, जो एग्ज़ाम होता है, एग्जामिनेशन में जो पूर्णांक होता है और पूर्णांक में जो हमें डिजिट अंक मिलते हैं उनमें हम कैसे निकालते हैं। अगर मान लिया 200 का कोई पूर्णांक था, 200 का हमारा पूर्णांक है और 200 में हमें मिला 150 नंबर, कितना नंबर मिला, 150 नंबर, तो हम कैसे पता करेंगे कि हमें कितने प्रतिशत अंक मिला। तो वेरी इजी है, हमने क्या बताया कि जब भी प्रतिशत निकालने के लिए प्रतिशत निकालना हो भिन्न, तो उनमें 100 से गुणा कर देना है। तो वैसे इसको भी भिन्न बनाना है, कैसे, देखिए 200 में आपको 150 मिला है तो 200 आप नीचे रखेंगे,
150 को ऊपर कर देंगे और हमने क्या बताया प्रतिशत निकालने के लिए क्या कर देंगे 100 से गुणा, बस हम इसको हल कर लेंगे, दो डिजिट से कैंसिल, 150 का आधा 75 यानी कि 75% अंक हमें मिला। अब ऐसे अब आपने देखिए 75% अंक मिला। अब देखिए किसी भी भिन्न का कैसे प्रतिशत निकालते हैं, देखिए यहाँ पर जब हम इनको हल करेंगे तो 812 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 से आप डिवाइड कर दीजिए 25 आ जाएगा और 4 गुना 8 2 आ गया, 25 पंचे कितना आ जाएगा 125 बटे 2, 125 का आधा 65.5 यानी कि 65.5% हुआ 5/8 का। अब देखिए 8/5 के कितना प्रतिशत होगा, 5 × 10 = 20 और 8 × 16 = 160 160% आ गया। अब देखिए यही आपको समझना है कि प्रतिशत आपने हमेशा सुना है कि 100 से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि प्रतिशत 100 से ज्यादा हो रहा है 160%, और यहाँ पर देख रहे हैं 65.5%। तो इनमें दोस्तों आपको ये देखना है कि दो चीजें होती है, जैसे अभी हमने भिन्न को बताया तो भिन्न दो प्रकार की होती है, एक उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन, एक अनुचित भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जो उचित भिन्न होती है उनमें हमारा क्या होता है कि हर आपका ज्यादा होता है, हर ज्यादा होता है यानी कि 5/8 देखिए 5 जो है कम है यानी कि हर यहाँ पर ज्यादा है, तो ये आपका उचित भिन्न हुआ। और अनुचित भिन्न ये हुआ कि जिनमें आपका क्या हो जाए अंश ज्यादा हो जाए, यहाँ पर देखिए 8 ज्यादा है तो ये आपका अनुचित यानी कि 100 से प्रतिशत ज्यादा नहीं होना चाहिए, 100 से ज्यादा हो गया यानी कि ये आपका अनुचित हो गया, तो ये अनुचित भिन्न हो गया। लेकिन याद रखना कि कभी भी जो उचित भिन्न होगी, जो उचित भिन्न होगी उसका प्रतिशत 100 से हमेशा कम होगा, 100 से क्या होगा उसका प्रतिशत हमेशा 100 से कम होगा, लेकिन जो अनुचित भिन्न होगा उसका प्रतिशत हमेशा 100 से ज्यादा होगा, ये याद रखना है आपको। अब दूसरी बात, ऐसा क्यों होता है, अब बात आई ऐसा क्यों होता है, तो यहां पर आपको उदाहरण के माध्यम से समझना होगा कि ऐसा किस लिए होता है। तो अगर हम देखते हैं कि कोई बच्चा है और एग्जामिनेशन हॉल में बैठता है, तो आप जानते हैं किसी भी पेपर में एग्जामिनेशन होता है, तो अगर उसका एग्जामिनेशन मान लिया हमने उसका पेपर 100 अंक का है, 100 अंक का पेपर है, तो 100 अंक का पेपर है, बच्चा कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, कितना भी अच्छा लिखने में और पढ़ने में और राइटिंग में, लेकिन जब वो एग्जामिनेशन देकर आएगा तो ये पॉसिबिलिटी है यानी कि ये पॉसिबिलिटी है कि वो 100 से अधिक मार्क्स कभी भी नहीं पा सकता, यानी कि वो हमेशा 100 पा सकता है लेकिन 100 से ज़्यादा नहीं पा सकता। तो इस कंडीशन में हमेशा उचित भिन्न होगी, लेकिन ऐसी भी कंडीशंस आती हैं कि वहाँ पर 100 से ज़्यादा हो सकता है, जैसे अगर कोई व्यक्ति है और वो व्यापार करता है और 5 रुपये का कोई पेन खरीद कर लाता है, 5 रुपये का पेन खरीद कर लाया और उसने यहाँ पर 15 रुपये का बेच दिया, कितने का बेच दिया 15 रुपये का बेच दिया, अब उसे लाभ कितना हुआ 5 उसका निकाल दो 10 रुपये का लाभ हुआ। तो अब यहाँ पर जब प्रतिशत होगा तो यहाँ पर देखिए 5 में 10 रुपये का लाभ यानी कि 5 नीचे, जो अभी हमने बताया था कि जितने में वो पा रहा है उसको नीचे और 10 ऊपर और 100 से गुणा प्रतिशत निकालने के लिए, तो 5 × 10 यहाँ पर देखिए 200% आ गया। तो इस 200 का मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई व्यापार होगा या किसी चीज में कोई चीज मिक्स किया जा रहा है तो जब हम गुने में उसको मिक्स कर देते हैं, गुने में मिक्स कर देते हैं, तो जब उनमें आपको गुना में प्रॉफिट हो जाता है 1 × 2 × 5 × 10 × 100 × तो वहां पर जो प्रतिशत होती है वो 100 से ज्यादा भी हो सकता है और वहां पर 100 से कम भी हो सकता है। तो जब ज्यादा होता है तो कोई चीज गुने में हो जाती है, यहाँ पर देखिए 5 × 10 यानी कि 2 गुना उसे लाभ हुआ था, यही अगर उसको 20 रुपये का लाभ हो जाता तो उसका 400% हो जाता। अब देखिए अगर वहीं पर इसको ये पेन को 12 रुपये का बेचता, अगर वही पेन 12 रुपये का बेचता तो उसको कितना लाभ होता, सिर्फ 2 रुपये का लाभ होता, और जब 2 रुपये का लाभ होता
तो इसका मतलब हो गया 5 में 2, तो आप 100 से गुणा करके प्रतिशत निकाल लेते, 5 × 10 = 20 और 20 × 4 = 40। तो याद रखना व्यापार में, यहाँ पर इसमें देखिए 100 से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है और आपको घाटा भी हो सकता है। तो प्रतिशत इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि ये माल 1001% वर्क करेगा। आप परी से चमगादड़ है, चमगादड़ से आप परी बन सकते हैं। तो देखिए कैसे होता। अब यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन है कि हमने बताया कि आखिर मैथमेटिशियन ने प्रतिशत को बनाया क्या, तो लेट्स टेक एग्जांपल, एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। मान लिया दो स्कूल हैं, एक स्कूल एच है और एक स्कूल एस है। अब देखिए दोनों स्कूल आपके हैं, दो स्कूल हैं। अब इनमें देखिएगा, जब इन दोनों स्कूलों के जो नियम हैं अलग अलग होंगे। हो सकता है यहाँ जो 100 में टेस्ट लिया जा रहा हो तो यहाँ पर 200 में टेस्ट लिया जा रहा हो। तो अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि मान लिया यहाँ पर जो पूर्णांक है वो 500 का पूर्णांक है, यानी कि 500 को मिलाकर सारी जो टेस्टिंग होगी, एग्जामिनेशन आएगा, तो 500 में इनको नंबर पाना है और यहाँ पर आपका 600 का है। अब यहाँ पर एक बच्चा जो सबसे तेज बच्चा इस स्कूल का है, वो 500 में कितना नंबर पाता है, 400 अंक पाता है। और यहाँ का जो सबसे तेज बच्चा है वो 500 में कितना पाता है, 420 नंबर पाता है। अब यहाँ पर देखिए हमें ये पता करना है कि अब देखिए यहाँ पर हम नहीं बता सकते 500 में 400 मिला है, यहाँ पर 600 में 420 मिला है, तो हम कैसे पता करेंगे कौन सा बच्चा तेज है। तो इसको जानने के लिए मैथमेटिशियन ने एक प्रतिशत का खोज किया, प्रतिशत को निकाला कि दोस्तों अगर कोई भी बड़ी से बड़ी डिजिट हो, यहाँ पर 600 या कोई भी बड़ी डिजिट हो, तो आप कैसे पता करेंगे। तो आप परसेंट निकाल लें कि 500 में 400 इनको मिला है, यानी कि 500 नीचे 400 ऊपर और 100 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर देखिए आपका कैंसिल हो गया और 5 × 8 = 40, यानी कि 80% बच्चे ने, एच स्कूल वाला सबसे जो तेज है, 80% अंक मिला। और यहाँ पर देखिए 600 में 420 अंक गुणे 100, यहाँ पर हम निकाल लेंगे 6 × 7 = 72%, इसको 70%। अब देखिए जब हम आपको बता रहे थे कि ये डिजिट में जब अंक मिला हुआ था, तब हम नहीं पता लगा पा रहे थे कि कौन सा बच्चा तेज है, किस स्कूल का बच्चा होना, लेकिन यहाँ पर देखिए 80% और यहाँ पर 70%, तो ये क्लियर हो गया कि ये बच्चा इस स्कूल का तेज है या सही है। अब देखिए दोस्तों ऐसे इनका एग्जांपल हजारों मिल सकते हैं। जैसे किसी भी चीज़ का मिश्रण किया जाता है, जैसे कोई दूध में मिक्सित किया जाता है, या कोई माल में किसी भी चीज़ में मिला दिया जाता है, जैसे आपके किसी भी अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है, तो ऐसे आपके कई एग्जाम्पल मिल सकते हैं कि जिनमें हम पता कर सकते हैं कि कौन सी गुणवत्ता वाली चीज़ अच्छी है, कौन सी गुणवत्ता। जैसे आपको आपको 1 लीटर दूध लिया जाए और एक में 200 ग्राम पानी मिला दिया जाए और एक में 500 ग्राम पानी मिला दिया जाए, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि जिनमें 500 ग्राम पानी मिला गया है वो आपका कम असली दूध है, यानी कि वो उतना प्योर दूध नहीं जितना 200 ग्राम वाला है। लेकिन एक 500 लीटर का दूध है और उनमें 40 लीटर पानी मिला दिया गया, और एक 1500 लीटर का है उनमें 150 लीटर पानी मिला दिया गया, तो अब हम आसानी से नहीं बता सकते, या अब हम नहीं बता सकते कि उनमें कौन सा बेहतर दूध है, कौन सा ज़्यादा प्योर दूध है। तो इसके लिए परसेंटेज को बना, आशा करता हूँ दोस्तों कि परसेंटेज से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स रहे होंगे क्लियर हुए होंगे। अगर नहीं क्लियर हुए होंगे कुछ, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछिए, हम उन प्रश्नों का जवाब देने के प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।